हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आगामी टीजीटी, राजस्थान पीटीआई, केवीएस, एनवीएस, डीएसएससी सभी के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? यह बताना है आपको कि जो भारत के क्रिकेट कप्तान थे वो पहले कौन थे? सलीम दुरानी थे, देश प्रेम आजाद थे, अजीत वाडेकर या फिर सीके नायडू थे? इनमें से आपका एक ऑप्शन सही होगा। और आप लोग अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते। तो राइट आंसर यहां पे 61 का हो जाएगा, सीके नायडू के साथ में रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहला टेस्ट मैच कहां खेला गया था? जो भारत में पहला टेस्ट मैच खेला गया था वो कहां पे हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई में? तो भारत में जो पहला टेस्ट मैच खेला गया ये आपका मुंबई से रिलेट करता है, सी ऑप्शन। मैग्नम स्टूडेंट्स ने सही आप अटेम्प्ट किया है, सी उत्तर राइट आंसर। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। और जो भी स्टूडेंट इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं वो वीडियो वहां से आप देख सकते हैं। यूपी टीजीटी के लिए जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं 9621819209 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वहां पे पेमेंट करके तुरंत जुड़ सकते हैं। और पुराने स्टूडेंट्स के लिए जो ऑफर प्रोवाइड किया जाता है उस ऑफर के तहत वहां पे जुड़ सकते हैं। 63 का राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीके नायडू को, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, मेलबर्न क्रिकेट मैदान कब बना? ये कब बना था? 1852 में बना था, 1850 में बना था, 1854 या फिर 1853? मेहनत करते रहिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। अगर सफलता प्राप्त करनी तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी। राजस्थान पीटीआई के लिए जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वहां पे आप लोग पेमेंट करके तुरंत जुड़ सकते हैं, बहुत ही लेस ऑफर आपके लिए वहां पे अवेलेबल है, जिसमें आप राजस्थान जीएस रिलेटेड मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं ग्रुप में। मेलबर्न क्रिकेट मैदान कब बना था? ये 1852 में बना था, 1850 में। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 64 नंबर का हो जाएगा, 1853, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 65। विश्व कप क्रिकेट 2007 का शुभंकर क्या था? जो 2007 में विश्व कप हुआ था उसका शुभंकर आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा? मेलो, गोबा, सेरा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आंसर के साथ में रिलेट करेगा, ए ऑप्शन ए उत्तर राइट आंसर। और यू राजस्थान पीटीआई में जीएस पे थोड़ा सा आप फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मेनली क्वेश्चंस आपको राजस्थान जीएस पे फोकस करना। अगर 40 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं 100 में से, तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हो सकता है आपका एग्जाम क्रैक हो जाए और आप लोग निश्चित तौर पर सेलेक्ट हो जाए। तो मेहनत करिएगा, कंटिन्यूटी बना रखिएगा, जो भी टाइम आपके पास में बचा हुआ है। विश्व कप क्रिकेट 2003 का शुभंकर आपको बता देना है, बिल्कुल तुरंत। क्रिकेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके हैं, देखने में बहुत आसान है लेकिन एग्जाम में गलत हो जाते हैं, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बहुत सही स्टूडेंट्स का आया यहां पर, डी के साथ में रिलेट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, टेस्ट की पहली हैट्रिक किस खिलाड़ी ने लगाई? तो टेस्ट क्रिकेट में पहली हैट्रिक जो लगाई थी ये कौन से खिलाड़ी ने लगाई थी? इरफान पठान ने लगाई थी, हरभजन सिंह, कपिल देव, देश प्रेम आजाद? तो यहां पे जो आंसर आएगा कपिल देव, कुछ लोग अटेम्प्ट किए हैं लेकिन सही आंसर के साथ में जो रिलेट करता है आपका हरभजन सिंह हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की ओर से वनडे में सबसे पहले हैट्रिक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो भारत की ओर से वनडे में सबसे पहला खिलाड़ी का नाम बताना, किसने हैट्रिक लगाई थी? यूपी टेट का बैच जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, यूपी टेट और सी टेट। जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं इसी नंबर पर, 700 रुपीज का तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। यूपी टेट से रिलेटेड
सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस रेगुलरली रूप से चलाई जाएंगी। बस आपका 25 सितंबर को जैसे ही राजस्थान पीटीआई कंप्लीट होता है, यूपी टेट का एग्जाम के लिए जो भी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर हो जाता है यहाँ पे, भारत की ओर से वनडे में सबसे पहले हैट्रिक लगाने वाले खिलाड़ी कौन से थे? बिल्कुल आंसर 68 का हो जाएगा। यहाँ पे वनडे की बात की गई, चेतन शर्मा, अभी ऊपर आपने क्वेश्चन देखा था थोड़ा सा डिफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट स्पर्धा में सबसे पहला शतक किसके नाम है? T20 में किसके नाम सबसे पहला शतक है? सुरेश रैना, हर्षल गिब्स, क्रिस गेल, युवराज सिंह। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से रिलेट करते हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम सभी लोग जानते होंगे कि क्रिकेट से रिलेट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सी ऑप्शन, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, वीरेंद्र सहवाग किस खेल से रिलेटेड है? तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन इस तरीके के मुश्किल है कि पूछा जाए, लेकिन कभी कभी आ भी जाता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आता है, लेकिन जो 1% स्टूडेंट छूट जाते हैं उनका भी गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, विराट कोहली किस खेल से रिलेटेड है? तो ये बताना है आपको, जो विराट कोहली ये किस खेल से रिलेट कर जाते हैं? तो ये भी क्रिकेट से रिलेट करते हैं। अजीत अगरकर किस खेल से रिलेटेड है? तो ये रिलेट करते हैं क्रिकेट से, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन 4-5 पढ़ लिए, अब बताइएगा सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता को किस नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से जाना जाता है? दिलीप ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी या फिर रणजी ट्रॉफी? बिल्कुल आंसर क्या होना चाहिए? जो भी स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तुरंत कांटेक्ट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डेली आप लोग मॉक टेस्ट प्राप्त सकते हैं, क्विज प्राप्त कर सकते हैं, और जो नए स्टूडेंट्स हो 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, पुराने स्टूडेंट्स के लिए पेमेंट 500 रुपीज, जबकि न्यू स्टूडेंट जो भी जुड़ना चाहते हैं वो 700 रुपीज का पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डेली आपको मॉक टेस्ट कराया जाता है, डेली आपकी बेहतरीन तैयारी करने में जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप अपना रिवीजन भी जल्दी जल्दी करते रहें और अपना आकलन भी कर सकें कि किस लेवल पर आपकी तैयारी चल रही है। ये तभी संभव है सब जब आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। 74 का सी ऑप्शन होगा, देवधर ट्रॉफी से रिलेट करता है, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतर विश्वविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता, जीतने वाली टीम को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? इसमें कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? कूच बिहारी ट्रॉफी दी जाती है, रानी झांसी ट्रॉफी दी जाती है, सुंदर ट्रॉफी या फिर रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी दी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 74-75। तो अंतर विश्वविद्यालय बात की गई क्रिकेट जो प्रतियोगिता होती है, रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी रिलेट करेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 8वें विश्व कप क्रिकेट का विजेता देश आपको बता देना है। तो मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा टाइम अगर विश्व कप किसी ने जीता तो ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 8वें विश्व कप क्रिकेट का उप विजेता कौन था? जो 8th नंबर का हुआ था उसमें उप विजेता कौन था? इंडिया था क्या? बिल्कुल इंडिया के साथ में रिलेट करेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लॉर्ड्स किस खेल से संबंधित प्रमुख स्थान है? तो ये किस खेल से रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स जो भी ज्वाइन करना चाहें तुरंत जुड़ सकते हैं, और राजस्थान पीटीआई के लिए जो भी स्टूडेंट्स डीजीएस से रिलेटेड डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं बहुत ही लेस ऑफर के तहत वहां पे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। यूपी टीजीटी न्यू स्टूडेंट्स एंड पुराने स्टूडेंट्स के लिए आप 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन से छोटी सी वीडियो, लेकिन जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए इसमें से 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बिल्कुल 100%, क्योंकि यूपी टीजीटी में नहीं तो एलटी ग्रेड नहीं तो केवीएस, केवीएस नहीं तो एनवीएस, डीडब्ल्यूएस किसी ना किसी एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 78 है, फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यहां पे आप पढ़ रहे हैं क्रिकेट या फिर फुटबॉल, होना क्या चाहिए था आपके अकॉर्डिंग? क्रिकेट होना चाहिए था, लेकिन जो ऑप्शन में क्रिकेट ना दिया हो तब आप क्या टिक लगाएंगे? तब कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा? फॉलो ऑन से रिलेट कर जाएगा यहां पे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग फुटबॉल। ध्यान रखिएगा आयोग के द्वारा जो आंसर अटेम्प्ट होगा 4 ऑप्शन में से फुटबॉल के साथ में रिलेट होगा, इसको डिलीट नहीं किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा क्रिकेट में भी आपका फॉलो ऑन शब्द यूज किया जाता है टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है,
आईसीसी का मुख्यालय स्थित है, तो आईसीसी का जो मुख्यालय अवस्थित है ये अबू धाबी में अवस्थित है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जबकि जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा। और राजस्थान पीटीआई से जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी वहां पे जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।